जी हाँ, हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी एसजे एंकर सुरभि जोशी। आप सब लोग का तहे दिल से फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करना चाहूंगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो इस मॉर्निंग कॉफी के साथ। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज मिलती रहे। तो जी हाँ, सुबह के दिन की शुरुआत इस कॉफी के साथ कर रही हूँ। और चलिए वेदर अपडेट भी दे ही देती हूँ। आज सुबह सुबह आप देख सकते हो बहुत ज्यादा खिली खिली धूप निकली हुई है। जस्ट लुक एट दिस। जी हाँ, ये है आज का हमारा मॉर्निंग वेदर अपडेट। जरा देखिए कितनी खिली खिली धूप खिली, कितनी खिली हुई धूप निकली है। तो जी हाँ, ये है हमारा आज का वेदर अपडेट। कितना अच्छा लग रहा है धूप में। चलो इसी वेदर अपडेट के साथ जो है, मैं आपको मम्मी के दो प्रश्न भी बता देती हूँ। आज के दो प्रश्न क्या है, चलिए मम्मी आज के दो प्रश्न बताइए हमें। खेतर नी आसपास नी केड़िया विना नी जमीन। वापस बताइए यहाँ पे देख के। खेतर नी आसपास नी खेड़िया विना नी जमीन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है। रात्रि सुगंध आपतो एक फूल छोड़। ओके तो जी हाँ, इस दो प्रश्न के आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो जरूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। कहीं भी मत जाइएगा, ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, कुछ आज अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो जी हाँ, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस ब्लॉग कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज एक्चुअली मैं आप लोग को लेकर जाने वाली हूँ एक जगह पर, और वो मैं वहाँ पे जाके नहीं चलो बता ही देती हूँ आपको, नहीं तो फिर आप सोचो कि यार व्लॉग क्यों देखे। फिर चलिए अभी बता देती हूँ। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि नवरात्रि आने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपको वलसाड़ में एक ऐसा स्टोर विजिट कराने वाली हूँ जहाँ पे आपको रेंट पे चनिया चोली एंड नवरात्रि के सारे ड्रेसेस अवेलेबल है और मिल सकते हैं, ठीक है। नवरात्रि की वैसे भी बुकिंग सब शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में सारे ड्रेसेस वगैरह भी जो है सब लोग बुक करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये व्लॉग इसलिए स्पेशली डाल रही हूँ अभी, ताकि आप लोग भी जाओ वो जगह पर और सारे ड्रेसेस वगैरह बुक करवा सकते हो। आपके नौ दिन के अलग अलग ड्रेसेस बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए जाते हैं, और कहीं भी मत जाइएगा, व्लॉग में आगे बने रहिएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सिर्फ आप लोग के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा कर देना, ठीक है। एंड बी द पावर ऑफ माय यूट्यूब फैमिली आल्सो। चलिए चाहते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, फाइनली जो है मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ और बस कुछ ही देर में वहां पे पहुंचने वाली हूँ और आपको सारे कलेक्शंस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ आज सरदार हाइट्स, और क्यों आई हूँ वो भी आपको पता है। चलिए जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ आज। तो चलो कम, लेट मी टेक यू विथ मी। तो जी हाँ, चलिए मैं आ चुकी हूँ सरदार हाइट्स में, जहाँ पे मैं आपको आज नवरात्रि के कलेक्शंस दिखाना जाऊँगी। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं आज के कलेक्शंस, लेट्स गो। तो जी हाँ, ये बिल्डिंग का नाम है वात्रक बिल्डिंग, जो सरदार हाइट्स में एंट्रेंस भी है ये बिल्डिंग। तो इसी बिल्डिंग के अंदर जो है फ्लोर है, मैं आपको दिखा देती हूँ वो फ्लोर जहाँ पे आपको नवरात्रि के ड्रेसेस मिलेंगे। जी हाँ, ये बिल्डिंग है। चलिए जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो लेट्स गो विजिट।
देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो चलिए जाते हैं। तो जी हाँ, ये है 002, आपको मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे है जो सारे कलेक्शन। थैंक यू। हेलो मैम। तो जी हाँ, ये है इनका नंबर 002, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शंस है, नवरात्रि चनिया चोली। स्पेशली यहाँ पे आप लोग को पूरे ग्रुप का ड्रेसिंग मिल जाएगा। दिनों बाद तो ये सब आप देख सकते हो, ये सारा रॉ मटेरियल है जिससे पूरा चनिया चोली सब कुछ रेडी होता है। आप देख सकते हो इनके कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं थोड़े आपको दिखाती भी हूँ साथ में। अच्छा, ओके। तो जी हाँ, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल प्रिंट्स है, वर्क है। अच्छा, घेर पण केटलो फाइन छे, फुल छे। हाँ, अब जो कलेक्शन हमरा ने बनी है उसे नव कलेक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनके पास सारे न्यू कलेक्शंस अभी रेडी में हैं। आप देख सकते हो ये सारे न्यू कलेक्शन हैं। कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चनिया चोलीज है, आप इनका घेर देख लीजिए एक बार। This all are new collections. यहाँ पे देख सकते हो with beautiful colors and designs. तो जी हाँ, नवरात्रि के यहाँ पे सारे बुकिंग शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है। गोपी ड्रेसेस, वलसाड़, तिथर रोड, सरदार हाइट्स। तो आप आ सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो। वो तमने ओके क्यों એટલે મૂકી દેજો। आप देख सकते हो इनका प्रिंट्स वगैरह, इनका घेर कितना बहुत अच्छा लग, बहुत सुंदर है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास न्यू पैटर्न्स भी है। हाँ, ये है श्रग, जो आप नवरात्रि में अभी बहुत सारे जीन्स के ऊपर भी, हाँ, जीन्स के ऊपर ब्लाउज पहन के श्रग्स पहन सकते हो। तो ये श्रग्स है, थोड़े बहुत कलेक्शन में आपको पहन के भी आज दिखा दूंगी यहाँ पर। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कलेक्शंस हैं इनके पास। तो ये कस्टमाइज ड्रेस भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, अपने हिसाब के कलर चॉइस करो, पैटर्न चॉइस करो। ओके, और अवेलेबल हो सकते हैं। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कलर्स पैटर्न्स वगैरह है। देख सकते हो इनके पास कितनी ब्यूटीफुल कुर्तीज है नवरात्रिस के लिए, जीन्स के ऊपर पहनने के लिए स्पेशली। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है विंटेज कलेक्शंस। ये मटेरियल हम पहले जो साड़ी वगैरह में यूज होता था, ये सारा वो मटेरियल का है जो अभी रिसेंटली विंटेज कलेक्शन आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और नवरात्रि में तो यही सब चलने वाला है इस टाइम। तो आ जाइए, कलेक्शन ओनली इन गोपी ड्रेसेस, वलसाड़, तिथल रोड, सरदार हाइट्स के पास। और नवरात्रि के बुकिंग शुरू हो चुके हैं, तो हरी अप बिफोर आप, बहुत सारे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं और बुकिंग्स अभी भी शुरू है, तो बुकिंग्स करवा लेना आप लोग, ठीक है। तो जी हाँ, आप देख सकते हो पूरा घेर वाला ये जो घाघरा है, जब आप टर्न लेते हो तो सबसे ब्यूटीफुल ये घाघरा ही लगता है। घेर, इसका घेर देख लीजिए एक बार, कितना ब्यूटीफुल है। तो जी हाँ, चलिए फाइनली मैं थोड़े बहुत आउटफिट्स आपको यहाँ पर ट्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा आउटफिट्स कैसे है, क्या है, और डिजाइन पैटर्न सब कुछ यहाँ पे। तो चलो फटाफट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम ट्राई करते हैं।
तो जी हाँ, यहाँ पे मैंने ड्रेसअप किया हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे और कस्टमर्स है जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हैं, तो चलिए उनसे इनका रिव्यू जान लेते हैं, ठीक है? हेलो, माय नेम इज पृथ्वी। हम लोग सिलवा से आए और हम लोग बहुत सालों से नवरात्रि की जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने जब यहाँ पे कॉस्ट्यूम जो पहना था वो फर्स्ट टाइम आंटी के पास से ही पहना था, और बहुत सारे प्राइजेस भी मैंने बहुत सारे जीते हम सभी ने, और आंटी के पास जो कलेक्शन है वो कहीं और कहीं पे भी नहीं है। बिकॉज इनके कॉस्ट्यूम बोले तो बहुत हटके होते हैं और बहुत मजे आते हैं इनके कॉस्ट्यूम पहनने में। एंड जो लुक आता है ना वो पहन के वो बंदा बोलेगा ही नहीं कि सच में ये मैं लग रहा हूँ। बेस्ट कॉस्ट्यूम का ड्रेस तो मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। तो जी हाँ, आप एक बार बता दीजिए क्या है गोपी ड्रेस, वलसाड़ तिथल रोड। गोपी ड्रेस वलसाड़ तिथल, जैसे आप यहाँ पे आओगे आंटी का कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। सरदार हाइट्स, यस, ओके। तो जी हाँ, फाइनली आउटफिट्स ट्राई करने की बारी आ गई है, तो लेट्स बिगिन विद माय फर्स्ट आउटफिट जो मैंने आज पहना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट आउटफिट। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये आउटफिट। जरा देखिए इसका घेर, देखिए इसकी पैटर्न, देखिए और हैवीनेस ऑफ घाघरा देखिए। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, नवरात्रि में और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आ जाइए वलसाड़ में गोपी ड्रेसेस, और वो भी सरदार हाइट्स गोपी ड्रेसेस तिथल रोड, आप देख सकते हो। चलिए मैं एक बार घूम के दिखा देती हूँ आपको इस आउटफिट में। आप देख सकते हो तो जी हाँ, इसी के साथ मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट, सेकेंड आउटफिट। थोड़े बहुत आउटफिट्स मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, और आना विजिट करना जरूर। ऑलरेडी नवरात्रि की बुकिंग शुरू हो चुके हैं, ठीक है? सो बुक योर ड्रेसेस एंड आउटफिट्स राइट। तो जी हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट। आप देख सकते हो ये वाला आउटफिट, ये स्पेशली जो भी यंग गर्ल्स हैं वो पहनते हैं, वो भी कॉम्पिटिशन के लिए। सेमी ट्रेडिशनल, या दिस इज अ सेमी ट्रेडिशनल ड्रेस। मुझे ड्रेस का ज्यादा नाम नहीं मालूम, थैंक यू सो मच। तो ये सेमी ट्रेडिशनल ड्रेस है, आप देख सकते हो, ठीक है? आप देख सकते हो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो इसमें आप एकदम कंफर्टेबली जो है कंपटीशन में लोग गरबा खेलते हैं इसमें, ओके? ठीक है, तो ये है सेमी ट्रेडिशनल ड्रेस। तो जी हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट। आप देख सकते हो यहाँ पर, जरा देखिए ये पूरा इसका जो पूरा घेर है वो देख लीजिए आप एक बार, जरा देख लीजिए। नवरात्रि का आउटफिट ओनली इन गोपी कलेक्शन, वलसाड़ तिथल रोड, सरदार हाइट्स। जी हाँ, आपको इतने ब्यूटीफुल आउटफिट मिलेंगे। बेस्ट ड्रेस का इनाम तो आपको ही जाना है, तो जरा देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। और क्या चाहिए नवरात्रि में, और क्या ही चाहिए आपको, जस्ट देख लीजिए। मैं एक बार गोल घूम के दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो जी हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट। ये पूरा व्हाइट बेस चनिया चोली है, और उसके ऊपर जो है ये श्रग पैटर्न है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल श्रग पैटर्न है, जरा देखिए। मैं आपको पूरा घूम के भी दिखाऊंगी, पहले आगे देख लीजिए इनका वर्क पैटर्न, सब देख लीजिए आप, जरा देखिए पूरा लुक ही बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे आउटफिट्स आप बुक करवा सकते हो,
नवरात्रि पे ग्रुप बुकिंग होते हैं यहाँ पे, आप करवा सकते हो ग्रुप बुकिंग। लेकिन बुकिंग प्री बुकिंग शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से आइए और बुक करवा लीजिए। आप देख सकते हो, मैं एक बार घूम के दिखा देती हूँ, ठीक है। जरा देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जी हाँ, मूविंग टू अनदर आउटफिट, इसका ब्लाउज का वर्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। चलिए मैं लेके जाती हूँ आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पता नहीं कितना आउटफिट है, लेकिन मैं ट्राई करते जा रहा हूँ। मैं गिनती भी भूल रही हूँ कि कौन सा आउटफिट है, लेकिन सारे आउटफिट बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो इसका वर्क, इसका हैवीनेस आप देखिए। दिस इज विंटेज कलेक्शन, जो हम पहले पहनते थे साड़ी वगैरह में उस मटेरियल का है, लेकिन जस्ट लुक एट दिस, ओ माय गॉड। मतलब रात के टाइम में इसका जो ये वर्क है, इससे कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये लहंगा। इसका ये जो वर्क है आप देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ब्लाउज का वर्क आप देख सकते हो, सो ये देख सकते हो कितना, मैं एक बार घूम के आपको बता देती हूँ पूरा। ये देखो इसका आउटफिट का लुक ही कितना अच्छा है, इसका जो घेर है वगैरह देख सकते हो। सरदार हाइट्स, वलसार, तीतर रोड, गोपी कलेक्शन ड्रेसेस, बाय कर सकते हो, प्री बुकिंग करवा सकते हो आउटफिट्स के, आप देख सकते हो। तो जी हाँ, मूविंग टू अनदर आउटफिट, आप देख सकते हो ये है एक कुर्ती, मतलब जो कुर्ती जीन्स के ऊपर भी आप वेयर कर सकते हो, और यहाँ पे जो है मैंने एक घाघरे के ऊपर मैंने इसको वेयर किया है इंडो वेस्टर्न की तरह, तो आप इंडो वेस्टर्न की तरह भी इसको स्टाइल कर सकते हो। जरा देख लीजिए इसका वर्क कितना ब्यूटीफुल है, और कुछ अलग अगर आपको हटके पहनना है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एक बार मैं आपको गोल घूम के एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस फ्लेयर, मतलब ये जो घाघरा का जो घेर है उसी से आपका ये पूरा आउटफिट इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट देखिए एक बार कितना अच्छा लग रहा है। ओके, आई एम इन लव विद दिस आउटफिट। मुझे सच में हर एक आउटफिट इतना अच्छा लग रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सा आउटफिट पसंद है। मुझे तो सारे ही पसंद है, एंड मुझे सभी अच्छे लग रहे हैं। और एक आउटफिट है, वो भी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जितने कलेक्शन है ना, पूरे वलसाड़ में आपको नहीं मिलने वाले, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे, तो आइएगा जरूर। तीथल रोड, सरदार हाइट्स, गोपी ड्रेसेस, मैंने आपको पूरा एड्रेस इस ब्लॉग में भी दे दिया है, आप देख सकते हो, विजिट जरूर करिएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट आउटफिट ऑफ द डे, चलिए आज लास्ट आउटफिट देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो है नीचे धोती पहनी हुई है, ऊपर ब्लाउज है, और उसके ऊपर जो है डिफरेंट श्रग पहना हुआ है। आप देख सकते हो वर्क कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, जस्ट लुक एट द वर्क। और आप देख सकते हो ये कितना कम्फर्टेबल है, ठीक है। एक बार मैं गोल घूम के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, जी हाँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपके सामने मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं। चलो तो इसके बाद मैं चेंज करके वापस आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो जी हाँ, फिलहाल मैंने अपना जो आज का ब्लॉग है वो आपको बता दिया है, और इसी के साथ इवनिंग हो रही है। चलो पहले फटाफट घर पे जाते हैं। चलो मैं मिलती हूँ आपको घर पे जाने के बाद, ठीक है। तो चलिए जाती हूँ घर पे। बाइक का रख दिया वहां पीछे। तो जी हाँ, इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ घर पर।
और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको यूजफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाती रहूंगी। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूंगी। मिलूंगी मैं आपको कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज SJ एंकर Surbhi Joshi। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी एंकर Surbhi Joshi साइनिंग ऑफ।